नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनुपाकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा नीना गुप्ता का है। एक्ट्रेस नीना गुप्ता पिछले कुछ समय से अपनी फिल्मों से ज़्यादा अपनी ऑटोबायोग्राफी को लेकर सुर्खियों में हैं। नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूँ तो में अपने बारे में ऐसी बातें लिखी हैं जो पहले कोई नहीं जानता था। इसमें नीना ने अपने परिवार, रिश्तों, अफेयर, शादी से लेकर अपनी बेटी और एक्टिंग करियर सभी के बारे में खुलकर बताया है। इस किताब में नीना ने अपने घर की दिक्कतों के बारे में भी चर्चा की है। नीना गुप्ता ने अपने परिवार के बारे में बात करते हुए बताया है कि उनके पिता के दो परिवार थे। इन दोनों परिवारों के बीच वो झूलते रहते थे। नीना ने बताया कि उनके पिता अपने दूसरे परिवार के साथ रात गुजारा करते थे। वो अपनी छुट्टियों को भी दोनों परिवारों के बीच में बांट लिया करते थे। नीना ने कहा कि उनकी माँ इस बात से काफ़ी दुखी थी और ये बात कभी कह नहीं सकी। नीना ने कहा कि मेरी माँ के साथ मेरे पिता ने जो किया उसे छिपाने के लिए उन्होंने खुद को मार लिया। मुझे लगता है कि इसलिए मैंने ये किताब तब लिखी जब मेरे पिता, माँ, भाई और भाभी इस दुनिया में नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पेरेंट्स या भाई जिंदा होते तो माँ ये किताब, मैं शायद ही ये किताब लिख पाती और माँ शायद ही इस किताब को पढ़ पाती। शायद यही कारण है कि मैंने ये किताब तब लिखी जब मेरे अपने इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। आपको बता दें कि साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म बधाई हो से धमाकेदार वापसी करने वाली नीना गुप्ता इसके बाद पंगा, शुभ मंगल सावधान, संदीप और पिंकी फरार, सरदार का ग्रैंडसन, डायल 100 जैसी तमाम फिल्मों के साथ ही पंचायत जैसी सुपरहिट वेब सीरीज में नजर आईं। नीना अब अपनी अगली फिल्म गुडबाय की शूटिंग कर रही हैं और इसमें उनके साथ अमिताभ बच्चन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिका में हैं, लेकिन उनकी किताब उनसे ज़्यादा सुर्खियों में है। किताब में कई दिलचस्प खुलासे नीना गुप्ता ने किए हैं। किताब में नीना गुप्ता ने प्रेगनेंसी के दौर का भी जिक्र किया है जब बिन ब्याही माँ के तौर पर वो दुनिया के सामने आई और उन्होंने इस हकीकत को न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि समाज से लोहा भी लिया। हालांकि तब सतीश कौशिक ने शादी का प्रस्ताव भी नीना गुप्ता के सामने रखा था और इस बात का खुलासा भी नीना ने सच कहूँ तो में बड़े विस्तार से किया है। नीना गुप्ता एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं और एक लंबे ब्रेक के बाद जब वापस आई तो छा गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।